शानदार श्रीयंश, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है CCS, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग कॉलेज। दिखाते हैं आपको, चलते हैं ना, चलते हैं फिर एंट्री कराते हैं आपको, दिखाते हैं सामने से। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं कॉलेज के मेन एंट्रेंस पे, अब हम आपको दिखाएंगे अंदर का व्यू। बेसिकली ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये लगभग 222 एकड़ में फैली हुई है। तो गाइज ये सामने बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, लगभग 1000 लोगों की कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम है, ये काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये है यूनिवर्सिटी की मंदिर, बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी मंदिर है ये। ये हमारे सामने लाइब्रेरी है। इस यूनिवर्सिटी से 400 से भी ज़्यादा कॉलेजेस जो हैं एडेड हैं, हर साल लगभग 4 लाख बच्चे पास आउट होते हैं। ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है। आगे डाकघर दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, यहाँ पर एग्ज़ाम की कॉपीज चेक होती हैं, आंसर शीट्स। ये मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, उसके फ्रंट में ये है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये बीकॉम एमकॉम वालों के लिए यूज़ होती है। ये होम साइंस डिपार्टमेंट है, काफ़ी प्यारा लुक है इसका। यहाँ काफ़ी डिपार्टमेंट है, हर जगह आपको डिपार्टमेंट दिखते रहेंगे, और यहाँ के हर पेड़ पर उसकी प्रजाति का नाम लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम। ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये है दारा सिंह कुश्ती स्टेडियम। इस यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ पढ़ के निकली हैं, जैसे मायावती, सुशील कुमार, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण कुमार विश्वास, लेट बिपिन रावत जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये प्लेइंग ग्राउंड है, रनिंग ट्रैक्स भी बने हुए हैं, स्टंप भी लगा हुआ है, बस क्रिकेट खेलने की देरी है। ये सामने देख रहे होंगे एक भाई अपने दिन में इतनी दोपहर में भी रनिंग कर रहे हैं। ये चलिए हम पहुंच गए हैं तपोवन, इसका इनर व्यू आपको दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा है। ये आ गए मंदिर, अब यहाँ पर आपको हर जगह चिड़िया और गिलहरी दिख जाएंगी। ये सामने देखिए मोर जा रहा है, ये इसके पीछे जाते हैं, देखते हैं ये कहाँ जाता है, ये देख के हमको लोग को भाग रहा है, आ गया। ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये गिलहरी देखिए, यहाँ पर हर जगह चिड़िया गिलहरी, इनके लिए पानी का ये बाउल रखा रहता है, हमेशा पानी रखा रहता है, ये यहाँ बहुत अच्छा है। अब आगे चलते हैं, जंगल में सुनसान है, सिर्फ हम दो लोग हैं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, बस हम दो पे दो हैं। बहुत बड़ा है, भी दिखाते हैं आपको, हम आगे बहुत ज़्यादा बड़ा है। किधर चलना है अब, क्यों इधर चलें या इधर चलें या सीधे चलें, ये तो चौराहा आ गया है, किधर चलें, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है भैया, बहुत बड़ा है तपोवन, ऐसे ही कहते हैं इसे, ऐसे थोड़ी ना इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये CCS, दो तीन गांव बस जाएंगे, इतनी बड़ी जगह बनी है। भाई देख रहे हैं कितना अच्छा लुक है, ये नेचुरलिटी है। ये रहा सामने शानदार व्यू, यहाँ पर आपको सुकून मिल जाएगा एक बार आने पर, दिमाग में एकदम ठंडा के, यहाँ चिड़ियों की आवाज़ यही सब सुनने को मिलता है। तो घूमते घूमते थक गए हैं, कुछ देर बैठने वाले हैं इस सीट पे, क्यों? हाँ भाई बैठते हैं, बहुत थक गए हैं। हाँ तब से घूम रहे हैं, अभी इसी में थक गए हैं, सोचो पूरा घुमाएंगे तो क्या हालत होने वाली है हमारी, ठंड के मौसम में गर्मी लगने लगी है। हाँ गाड़ी से आते तो ठीक रहता, अभी तो थक गए हैं बहुत ज़्यादा, पूरा हम आपको ऐसे ही दिखाएँगे शॉर्ट शॉर्ट, पूरा दिखाएँगे तो कल तक नहीं दिखा पाएंगे और समय लग जाएगा। हाँ मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। गाइज ये कौन सी मूवी का सीन है बताओ जरा हमको भी,
क्या व्यू है देख रहे हैं इस पर, फोटो खिंचाने के लिए एक नंबर सेल्फी पॉइंट है। गाइज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ये सामने देखिए चिड़ियाँ लड़ रही हैं एक दूसरे से, ज़्यादा सही दिख नहीं रहा है क्योंकि दोनों का कलर सेम है, बाकी बहुत भीषण लड़ाई चल रही है। हम भी लोग यहाँ पर दर्शक बन के बैठे हुए हैं। ये पास में जाने की कोशिश करते हैं, पास जाने पर भाग रही हैं, बहुत लड़ाई हो रही है। ये हमारे सामने है हॉस्टल का व्यू, छात्रावास, बहुत ज़्यादा शानदार है ये हॉस्टल। अब हम आपको कोशिश करेंगे अंदर का व्यू दिखाने का। ये रहा, यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई सुविधा भी मिलती है पढ़ने के लिए। यहाँ पर ये मेस रहा, मेस है, यहाँ पर खाने की सुविधा होती है। हॉस्टल बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, बहुत क्लीन है। यहाँ पर आपको बस खाना पढ़ना यही करना, काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार। यहाँ पे आज कुछ फंक्शन होने वाला है, डेकोरेशन चालू है, लाइट वाइट देख रहे हो, तगड़ा वाला फंक्शन होने वाला है यहाँ पे। बहुत लंबी स्टेज लग रही है यहाँ पे, पता चलेगा तो आएंगे, नहीं तो फिर बाय बाय। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बिल्डिंग है। हाँ, अभी दिखाते हैं और हम, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एक ही अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट तो बहुत से हैं गाइस, लेकिन आपको कुछ कुछ दिखाएंगे हम, पूरा दिखाएंगे तो कल तक भी ना दिखा पाए। और गाइस ये है दूसरा गेट, यही रोड चल रही है। अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए हो इसकी, कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं हमको, हम पूरी नॉलेज देंगे आपको। तो गाइस जितना दिखा पाया उतना दिखाया, क्योंकि पैर तो हम लोग के दर्द करने लगे हैं अब, पूछो मत, हाल खराब है। बाइक से आते तो दिखाते आपको, चलो अब फिर कभी दिखाएंगे। अगर आपको पूरा देखना होगा तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम एक और वीडियो बना देंगे पूरा करने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।